तो आज हमारे पास है एक जोरदार टॉपिक जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान बहादुर के बारे में। हैदराबाद की बारिश और निज़ामों की दौलत का अब कोई भरोसा नहीं रहा, कुछ भी कभी भी हो जा रहा। अब व्लॉग करूं तो क्या करूं? देखो भाई, हर व्लॉगर की जिंदगी इंटरेस्टिंग नहीं रहती, क्योंकि मेरी भी जिंदगी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो आज हमारे पास है एक जोरदार टॉपिक जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान बहादुर के बारे में, हु वॉज द सेवेंथ किंग फ्रॉम द निज़ाम्स। और ये टॉपिक इतनी इंटरेस्टिंग किस लिए है? बिकॉज दिस इज अबाउट द फंड केस दैट वॉज हैपनिंग। ऑलरेडी इन द फैम, व्हाट इज गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू योर अनदर वीडियो एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अब ये इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? बिकॉज दिस इज़ अबाउट माई सिटी एज वेल, हैदराबाद के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज जो निज़ाम के ग्रैंड सन्स थे, दे हैव वन दिस केस एंड इट इज़ आफ्टर लाइक 71 ईयर्स ऑफ फाइट दैट इज़ गोइंग फ्रॉम 1948 टिल 2019। और इसकी लास्ट ईयरिंग थी June 21st, 2019 यूके लंदन में। सो व्हेन डिड ऑल दिस स्टार्ट? तो ये सब शुरू हुआ था 1948 में, जब हैदराबाद के फाइनेंस मिनिस्टर 1 million pounds ट्रांसफ़र करे थे पाकिस्तान हाई कमिश्नर के अकाउंट में लंदन में। 1954 में मीर उस्मान अली ख़ान फिर से ये जो अमाउंट इनका गया था उसकी कंप्लेन डाले थे लंदन में कि ये उनको वापस अमाउंट होना है बोल के। और 1963 में निज़ाम क्रिएटेड ट्रस्ट ओवर हिज हैदराबाद फंड्स। देखते ही देखते 1965 में निज़ाम अपॉइंट करे ट्रस्ट अपने ग्रैंडसन्स के लिए जो है मुकरम जा और मुखफ्फम जा। 1965 में ये केस जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी डिस्कस किया गया था टू क्लेम द फंड्स वापस लेने के लिए। 2008-2013 पाकिस्तान और ये निज़ाम के पोतरों के बीच में बहुत ज़्यादा एक वॉर थी और इट वेंट ऑन टिल 2019 में यूके में एक कोर्ट हियरिंग थी विच वॉज ऑन द 21st of June। आफ्टर दैट हियरिंग, वो हियरिंग का डिसीजन अभी October 2nd गांधी जयंती के दिन आया 2019 में, विच गॉट देम अराउंड 306 to 310 crore rupees इन देयर हैंड, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, लाइक 3 billion बोल सकते हैं आप उसको। सो पाकिस्तान लॉस्ट द केस इन यूके फ्रॉम इंडिया एंड एज वेल एज द निज़ाम्स। तो इसके बाद में ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होएगा इंडिया और निज़ाम के ग्रैंडसन्स के बीच में, विच इज़ ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल, बिकॉज गवर्नमेंट के बीच में भी रहेगा ये और फिर ये लोग के बीच में भी रहेगा। सो दिस इज़ हाउ द सीन वॉज क्रिएटेड। और ये सब का एक शॉर्ट बिल्कुल मैं आपको ओवरव्यू दिया, बिकॉज यू पीपल नीडेड इट अ लॉट। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, मोर कॉन्टेंट, मोर व्लॉग्स। लाइक आई एम नॉट गेटिंग इन टू डेली व्लॉग्स, बट डेली व्लॉग्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एज आई स्टार्ट क्रिएटिंग मोर एंड मोर एवरी सिंगल डे। आई want to create every single day, but I have excuses and I don't want to bring that excuses in my future, because I really want to do this. I really want to make videos for you people to entertain you. So make sure you subscribe and also hit that like button. Be the change, be indomitable. Thank you for making me a part of your day. Bye bye, take care, see you for the very next video tomorrow.